हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल उपेंद्र में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि ओमान का वीज़ा कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले गूगल पे चले जाना है, वहां पे सर्च करना है ओमान वीज़ा चेक, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये पहला लिंक मिलेगा evisa.rop.gov.om, मतलब ओएम मतलब ओमान, ठीक है। ये ओमान का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ का गवर्नमेंट का वेबसाइट है, इसको ओपन करना है। ध्यान रखिएगा ऐसा ही होना चाहिए, evisa.rop.gov.om, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए कैसा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, देखिए ऐसे खुल जाएगा, ओमान ई वीज़ा करके आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वीज़ा एप्लीकेशन नंबर, ट्रेवल डॉक्यूमेंट नंबर, नेशनलिटी और कैप्चा कोड, ये चार ऑप्शन आएगा। चार ऑप्शन में सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन नंबर, जो भी एजेंट आपको वीज़ा दिया है उसमें एप्लीकेशन नंबर एक होगा, ठीक है, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर का मतलब होता है पासपोर्ट नंबर, यहाँ आपको अपना पासपोर्ट नंबर इस बॉक्स में डालना है। ठीक है, उसके बाद से आप किस कंट्री से हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी हो यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जाके इस पूरा कंट्री आएगा, A to Z जितना कंट्री है, ठीक है, उसको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे जो फ़ोटो में कैप्चा दिख रहा है 11:23 या जो भी आएगा आपके सामने, वो यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद से आपको यहाँ पे सिंपली सर्च पे क्लिक करना है। जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वीज़ा शो कर देगा, वीज़ा शो कर देगा वहाँ पे डिटेल, और शो करने के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जब वीज़ा शो करेगा तो PDF डाउनलोड का, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके आप अपना वीज़ा आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को हमें कमेंट करके बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।